एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक नई डिश बनाने वाले हैं जिसका नाम है आलू मसाला बाटी। बाटी तो आपने बहुत खाई होगी, पर आज मेरे साथ आप ये बाटी भी जरूर ट्राई कीजिए। तो जिसके लिए मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं, अब मैंने इसे कुकर में ऐड कर दिया है और अब इसकी मैं 3 से 4 सीटी ले लूँगी और जब तक हमारे आलू बॉइल्ड हो रहे तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने एक कटोरी में 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा और 1/2 चम्मच मैंने सौंफ को कूट के ऐड कर लिया है। अब हम सबको मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे। अब हमारे जो आलू हमने बॉइल्ड करने रखे थे, अब हम उनसे कुकर से निकाल के मैशर की सहायता से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे मिक्स कर लिया है मैशर की सहायता से। अब हम इसे साइड रख देते हैं। अब हमको कुछ मसाले चाहिए तो तड़का देने के लिए, तो अब हम वो देख लेते हैं। जिसके लिए मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 ग्रीन चिली, कसूरी मेथी, स्वाद अनुसार नमक, आमचूर पाउडर और सारे मसालों को एक साथ रख लिया है। अब हम तड़का देते हैं। तो मैंने एक पेन गरम करने के लिए रख दिया है, उसके अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। अब उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची और सारे मसाले ऐड कर दूंगी बैक टू बैक और सबको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। अब इसके अंदर मैं कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी, इसी के साथ में स्वाद अनुसार जो नमक लिया था हमने वो भी ऐड कर देंगे और आमचूर पाउडर भी ऐड करके इन सारे मसालों को अच्छे से चला लेंगे, पका लेंगे। अब हमने जो आलू बॉइल्ड करे थे, मैश करके रखे हैं, उसे भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे और इसे एक प्लेट में निकाल कर या बॉल में निकाल के इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये जो आटा है, ये डो है जो दिख रहा है आपको, ये मैंने मैदे का गूंधा हुआ है, इसे मैंने ऑलरेडी पहले से तैयार कर लिया है। अब मैं इसके कुछ छोटे छोटे बॉल बना लूँगी और साइड में रख दूँगी। अब मैंने ये ओवन ले लिया है, बाटी ओवन, इसको मैंने 10 मिनट के लिए प्रीहीट के लिए रख दिया है। जब तक ये प्रीहीट हो रहा है हमारा ओवन, तब तक हमारे ये जो बॉल्स हैं मैदे के जो बॉल्स हमने बनाए, इसके अंदर हम आलू मसाले की फिलिंग भर देंगे और इसे अच्छे से हम इस तरह से चपटा कर देंगे और दोनों साइड हम इसके अंदर ऑयल लगा देंगे। अब हमारा जो ओवन है, बाटी ओवन, ये अच्छे से बेक हो चुका है, प्रीहीट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर हमारे जो मसाला बॉल्स है आलू की, ये सब रख देंगे धीरे धीरे करके। अब ये देखिए, हम इसे अच्छे से 10 से 15 मिनट तक कम आंच पे बेक होने देंगे, धीमे आंच पर। हम इसे जैसे बाटी पलटाते वैसे ही हम इसे भी पलटाते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे जो ये बॉल्स है, आलू मसाला बाटी जो है हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारी जो आलू मसाला बाटी है हमने इसे प्लेट में निकाल लिया, बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक डेकोरेट कर लेते हैं। देखिए, अब हमारी जो बॉल्स है खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।